आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मिशन पूर्वोत्तर पर बीजेपी, पीएम मोदी ने दी मणिपुर को करोड़ों की सौगात। पीएम ने कहा मणिपुर की महान धरती को नमन। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार सतर्क। शाम को सीएम योगी टीम 9 के साथ करेंगे बैठक। अरविंद केजरीवाल के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना संक्रमित। लक्षण दिखने के पहले ही हो गया आइसोलेट। अयोध्या में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का आगाज। अखिलेश यादव का 2 दिन का अयोध्या दौरा। 8-9 जनवरी को अयोध्या जाएंगे अखिलेश। यूपी में 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। प्रयागराज एसएसपी बनाए गए अजय कुमार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक ये नए रंग नजर आने लगे हैं। ऐसा ही कुछ अनोखा रंग संभल से सामने आया है। संभल शहर विधानसभा से बसपा से अपनी ताल ठोक रहे हाजी शकील कुरैशी का जो वीडियो सामने आया है, उसमें वो स्थानीय स्तर की एक जनसभा में घड़ियाली आंसू बहाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। आगामी चुनाव के लिए वोट मांगते साफ नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी वीडियो में नेताजी कह रहे हैं कि अगर वो आगामी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए तो संभल के सराय तरीन और हयात नगर के अंदर किसी भी दरवाजे के अंदर पुलिस वाले के घुसने की हिम्मत नहीं होगी। और ये जो बिजली विभाग के दलाल हैं, इन्हें तो अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। देखिए, एक बेवा औरत ने, मेरी मां ने सराय तरीन से फ़ोन किया मुझे जब मैं क्वारंटीन सेंटर में था कि शकील तुम कहाँ हो। मैंने कहा अम्मा मैं तो क्वारंटीन सेंटर में हूँ। तो वो चीख निकल गई उनकी, कहा हमारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, अब हमारा कौन देखेगा। उस मंजर को देखते हुए मेरा परिवार भी क्वारंटीन करा दिया इन लोगों ने, सियासी लोगों ने संभल के। अब ये तो जब वो घड़ियाले आंसू बहाते हैं वो लोग, वो घड़ियाले भी समझते हैं ये हमारे। खबर सोनभद्र से है, जहां इंडियन बैंक शाखा अंबार के दुग्धी सहकारी फेडरेशन की दुकान पर सोमवार को किसानों को यूरिया देने के लिए आधार कार्ड जमा करवाया गया। फिर कुछ किसानों को यूरिया दी गई, जिसके बाद मौजूद किसानों को खाद न देकर सैकड़ों बोरी यूरिया एक वाहन पर उनके सामने ही लोडिंग कर दी गई। तो वहीं ब्लैक मार्केटिंग किए जाने से आक्रोशित किसानों ने आवाज उठाने पर केंद्र संचालक ने घबराकर महिलाओं को दुकान में बंद कर दिया और मौके से फरार हो गए। उधर महिलाओं को दुकान में बंद करने और यूरिया नहीं मिलने से यूरिया लेने के लिए लाइन में लगे लोग आक्रोशित नजर आए और किसानों ने दुद्धी अम्बार मार्ग को जाम कर दिया, जिससे आधे घंटे के लिए सड़क पर रफ्तार थम गई और देखते ही देखते वाहनों का जाम लगना शुरू हो गया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे एसएसआई मनोज कुमार और विमलेश सिंह ने किसानों को समझा बुझाकर जाम को हटाया। सड़क से हटवाने के बाद दुकान के अंदर बंद महिलाओं को ताला खुलवाकर बाहर निकाला। तो यूरिया न मिलने से और ब्लैक मार्केटिंग से किसान काफी आक्रोशित नजर आए। इसके साथ ही महिलाओं को भी बंद कर दिया गया था, जिससे किसानों में ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। महिला को दुकान के अंदर बंद कर संचालक फरार हो गए। यूरिया न मिलने से और ब्लैक मार्केटिंग से किसानों में आक्रोश है, जिसकी खबर भी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने ताला खुलवा कर महिलाओं को बाहर निकाला। बता दें कि नाराज किसानों ने सड़क पर चक्का जाम भी कर दिया, इसके वजह से रफ्तार धीमी पड़ गई गाड़ियों की यातायात की। और पुलिस को जब इसकी सूचना दी गई तो पुलिस ने समझा बुझा कर जाम खुलवाया और महिलाओं को भी बाहर निकाला। तो सोनभद्र से ये खबर सामने आई है, जहां यूरिया की कालाबाजारी देखने को मिल रही है। सुबह से लाइन लगाकर खड़े किसानों को यूरिया नहीं मिली और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। ब्लैक मार्केटिंग भी देखने को मिली, जहां किसान यूरिया के लिए लंबी लाइन में घंटों खड़े रहे, उसके बावजूद उनको यूरिया नहीं दी गई। लेकिन
उनके सामने ही लोड करवा कर सारी यूरिया भिजवाई जा रही थी। एक वाहन पर उनके सामने ही लोडिंग करवा दी गई सारी यूरिया। ब्लैक मार्केटिंग किए जाने से आक्रोशित किसानों ने आवाज उठाने पर केंद्र संचालक ने घबराकर महिलाओं को दुकान के अंदर बंद करके मौके से फरार हो गए। महिलाओं को दुकान में बंद करने और यूरिया नहीं मिलने से यूरिया लेने के लिए लाइन में लगे आक्रोशित किसानों ने दुधी अंबार मार्ग को जाम कर दिया, जिसकी वजह से सड़क पर यातायात ठप हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया, समझा बुझा कर लोगों को सड़क से हटवाया और महिलाओं को भी बाहर निकाला। बांदा में युवा मोर्चा सम्मेलन में राज्य मंत्री नीलिमा कटियार शामिल हुई। सैकड़ों की संख्या में युवा कार्यकर्ता और युवा छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। इसी के साथ सांसद और बबेरू विधायक सम्मेलन में शामिल हुए। यहां पर कार्यक्रम में मौजूद राज्य मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी ही सरकार बनाएगी। इस देश में बीजेपी ने गरीबों के लिए काम किया है। उत्तर प्रदेश 2017 से पहले जिन परिस्थितियों में था, उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ घोर अन्याय था, उनकी नौकरी को लेकर, उनके रोजगार को लेकर समता के साथ अन्याय हो रहा था। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार है, पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था से जो सरकारी नौकरियां युवाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर मिली है, जिस प्रकार से कौशल विकास योजना हो, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना हो, चाहे मुद्रा लोन की बात हो, इन सारी योजनाओं और उसके माध्यम से कम असुविधा के अंदर उत्तर प्रदेश का युवा आज रोजगार के अंदर साहस कर रहा है, उद्यमिता की ओर अग्रसरित हो रहा है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आज देश और दुनिया में सराही जा रही है। उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे बिजली हो, चाहे सड़कें हो, ये सारा चीजें जो है वो खबर लखनऊ से है, जहां इटौंजा के शाहपुर गांव के एक दलित युवक ने नंगा करके पीटा किया है। लेकिन जब मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कोई मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि व्यक्ति दो बार पहले से ही SSP ST Act लिखवा चुका है, तो SC ST Act लिखवा चुका है, लेकिन जो है अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लखनऊ से मामला सामने आया है, जब व्यक्ति को बुरी तरह से मारा गया है। कुशीनगर में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होने के बाद एयरपोर्ट बाउंड्री लगा दी गई है और गांव भलुही मदारी पट्टी में कुछ लोगों की ओर से सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एसडीएम तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित फोर्स के साथ टीम गठित कर गांव में पहुंचे, जहां पर लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को खाली करा दिया जाए। इसी के साथ एसडीएम की टीम ने कार्रवाई करते हुए अनाउंसमेंट के साथ मकान को खाली करा दिया। मकान खाली करने के लिए एसडीएम को आदेश दिया गया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का यह मामला कुशीनगर से सामने आया है, जहां मकान खाली कराने के आदेश दिए गए हैं। कुशीनगर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के रूप में अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। कौशाम्बी के ब्लॉक 12 के पास यूरिया खाद न मिलने से हजारों गांव के किसान परेशान हो रहे हैं। बता दें कि 12 ब्लॉक में कई गांव के किसान इकट्ठा हुए यूरिया खाद के लिए। आज एक महीने से किसानों को यूरिया की खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है और कुछ सोसाइटी के लोगों को भी खाद नहीं मिल पा रही है। खाद की किल्लत की वजह से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद की परेशानी की वजह से किसान खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो यूरिया खाद ना मिलने से हजारों किसान परेशान है। कौशाम्बी से ये खबर सामने आ रही है, जहां किसान काफी दिनों से परेशान नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता देवानंद जुड़ चुके हैं कौशाम्बी से। देवानंद, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, किसान कितने समय से परेशान है? जी मैम, यहाँ पे चार पांच मतलब क्षेत्र में
सोसाइटी यहाँ पे अभी से यूरिया खाद की भारी किल्लत है। यहाँ आए दिन अभी मैं जो है मौके पे हूँ अभी भी, कम से कम हजारों की संख्या में किसान है और खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इसमें किसानों में नाराजगी, जिन्होंने रोक कर मुझसे कहा कि सर ये सोसाइटी के खिलाफ आप लोग खबर चलाइए, हम लोग बहुत परेशान, योगी सरकार में ऐसा हम लोगों के साथ हो रहा है कि कभी हमारे साथ ऐसी समस्या आई नहीं, जो सरकार के खिलाफ नारा भी लगा रहे थे किसान जी। तो किसानों की क्या मांग है, क्या कह रहे हैं अब किसान? किसान ये कह रहे हैं कि यहाँ खाद की व्यवस्था नहीं हो पा रही, किसान क्षेत्र में दुकान पर जो है खाद की उस जरूरत के अनुसार उनको खाद उपलब्ध नहीं की जा रही, कहीं एक बोरी कहीं कुछ नहीं, समझ लीजिए किसी किसी को तो खाद मिल ही नहीं रहा है, लोग रो रो के चले जा रहे हैं यहाँ से जी। तो इससे किसानों के फसल पे कितना बुरा नुकसान पड़ेगा? अब किसानों के फसल का तो आप समझिए कि 50% नुकसान होना तय है, जिस हिसाब से खाद नहीं मिल रही है, किसान पानी खेत में डाल चुका है अभी तक खाद नहीं दे पाया, जिनकी गेहूं की फसल पीली हो रही है और खाद के लिए वो दर दर भटक रहे हैं, यहाँ तक कि 100-150 किलोमीटर खाद के लिए कौशाम्बी 12 ब्लॉक के अंतर्गत जो भी गाँव है कम ये लोग जा रहे हैं और कोई भी प्रशासन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता देवानंद जुड़े थे। वहीं अब खबर आगरा के बलकेश्वर भगवान नगर की है, जहां कमला नगर पुलिस का इकबाल खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार लुटेरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दबंगों ने चिड़िया मारने वाली बंदूक से एक घर की तीसरी मंजिल पर हाथ पैर बांध कर लूटपाट की। दबंग घर से 12 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। आगरा से खबर सामने आ रही है और सीसीटीवी फुटेज में भी ये पूरी घटना कैद हो गई है, जहां लुटेरे 12 लाख की चोरी करके फरार हो गए। तो ये लूट की खबर आगरा से सामने आ रही है। आज की जो लूट हुई है, इसमें ये बलकेश्वर है कमला नगर थाने का और यहाँ पर भगवान नगर मोहल्ला है, ये तिमंजली पे इनका मकान है और एक फैक्ट्री में ये मैनेजरी का काम करते हैं और फैक्ट्री का बताते हैं, फैक्ट्री का लेन देन वाला कैश इनके यहाँ 12 लाख रुपए रखा हुआ था और तिमंजली पे आकर दो लोगों ने यहाँ पर इनका दरवाजा खुलवाया और फिर ओवर पावर करके वो पैसा ले गए। भागते हुए वो एक एयर पिस्टल जो छर्रे वाला होता है वो छोड़ के गए हैं, दो घरेलू चाकू छोड़ के गए और चप्पल उनकी छूटी है, दो लोग थे उसमें जो भागते हुए दिखाई दिए हैं, चप्पल भी लेबर क्लास की है और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई आदमी जो इनके यहाँ जिसे पता था कि ये कैश रखते हैं फैक्ट्री से संबंधित था, उसके द्वारा ऐसी घटनाएं की गई है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी है। ममता, जो ये तस्वीर सामने आई है, हौसले बुलंद नजर आ रहे चोरों के, क्या कहेंगी इस पे? मोहल्ला है वहाँ की ये पूरी घटना है। यहाँ पर जो थर्ड फ्लोर पर जो एक फ्लैट था, उसके थर्ड फ्लोर पर एक पत्नी और बच्चे थे घर के अंदर, जो कि सुनील गोयल हैं, उनके एक फैक्ट्री का जो कुछ पैसा आया था वो पैसा वहाँ घर के अंदर था, तो कहीं ना कहीं उनके घर में किसी न किसी की सूचना के मुताबिक ही वो दो लोग उनके घर के अंदर घुस गए और दिन दहाड़े, आपको बता दूं शाम छह बजे की ये पूरी वारदात है और ये शाम 6 बजे ही घर के अंदर घुस जाते हैं और घर के अंदर जो महिला और बच्चे होते हैं उनके हाथ पैर बांध कर मुंह से टेप चिपका कर ये पूरी घटना को अंजाम देते हैं। और इस तरह देखा जा रहा है कि पुलिस का जो इकबाल है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है आगरा के अंदर, पुलिस का जो डर है जो भय है बिल्कुल चोरों के लिए बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी। ममता, ये कितने बजे की घटना है, कितने बजे रात में चोरी की गई है? जी बिल्कुल 6:30 बजे के लगभग ये घटना बताई जा रही है लगभग, तो ये देखा जा रहा है कि दिन दहाड़े ही शाम ढलते ही ये 6:30 बजे की ये घटना है। तो जिस तरह देखा जा रहा है कि चोरों को दिन का भी खौफ नहीं है और ना ही पुलिस का कोई खौफ कि दिन में कोई रह सकता है, कोई निकल सकता है। जी, तो ये खबर सामने आने के बाद पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में भी फुटेज कैद हो गई है? जी बिल्कुल, जहां एसएसपी आगरा जब एसएसपी सुधीर कुमार जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने उनके द्वारा बयान दिया गया, उनके द्वारा कहा गया कि जिस तरह ये घटना की गई है तो ये बहुत सक्री गली है अंदर जाके, तो यहां पुलिस का ये दिन दहाड़े का शाम ढलते ही मामला है। यहां पुलिस का जो रहता है गश्त का, तो वो शाम 8 बजे से ये पुलिस का गश्त का रहता है, तो यहां इस तरह की ये इन्होंने दिन में ही ये इस तरह की घटना कर दी है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ममता जुड़ी थी आगरा से।
अब खबर हरदोई से है, जो भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा की अध्यक्षता में नगर पंचायत और ग्राम पंचायत बॉर्डर पर जल भराव की समस्या को लेकर खेरवा मार्ग किनारे धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे बेनीगंज अधिशासी अधिकारी महेश प्रताप श्रीवास्तव ने ग्राम पंचायत में जल भराव की समस्या को ध्यान में रखते हुए आम जनमानस की समस्या को निस्तारण कराने के लिए त्वरित जेसीबी बुलाकर छिटपिट कार्य को प्रबंध कराया और वहीं कुछ ग्रामीण देहात के नाला को रोकते दिखे तो वहीं कुछ नगर पंचायत के लोग नाला निर्माण हो जाने से असंतुष्ट दिखे। मौके पर मौजूद हजारों की संख्या में किसान और ग्रामीण जनों की फिलहाल समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो सका है, जिस पर पुनीत मिश्रा ने कहा कि अधिशासी अधिकारी के द्वारा 10 दिन का समय दिया गया है, अगर नाला निर्माण 10 दिन में नहीं किया जाता है तो नगर पंचायत बेनीगंज की पानी टंकी पर बैठकर छलांग लगाएंगे, जिसे ज्ञापन भी दर्शाया गया है। हरियाणा सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए कुछ जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को शाम 5 बजे के बाद बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें शराब के ठेके भी शामिल हैं। लेकिन दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुलिस की नाक के नीचे फरीदाबाद के लगभग सभी ठेके खुले नजर आए। यूं कहें कि शराब ठेका संचालकों ने हरियाणा सरकार के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। इतना ही नहीं, मीडिया के कैमरे के चलने के बाद भी शराब ठेका संचालक बिना किसी कानूनी खौफ के शराब बेचते दिखे। इस मामले की जानकारी एसएचओ को दी गई है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस मौके पर पहुंची और शराब के ठेकों को बंद करवाया। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मनोज सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? कैमरे के बावजूद भी इनमें कोई खौफ नहीं दिखा, पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं नजर आ रहा है? बता दें, फरीदाबाद में हरियाणा सरकार ने कोरोना वैश्विक महामारी लगातार फरीदाबाद में बढ़ रही है, उसी को देखते हुए जरूरतों की दुकान वो खुली रहेंगी और जो दारू के ठेके हैं और अन्य दुकानें हैं उन्हें बंद करने के जो आदेश 5 बजे के दिए हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो शराब विक्रेता है वो धड़ल्ले से अपने ठेके को चला रहे हैं और उन्हें ना प्रशासन का डर है, ना सरकार के जो नियम है, ना उनका कोई पाबंद वो कर रहे हैं, इसलिए धड़ल्ले से वो ठेका दारू बिक रही है और रात 8-8 दारू बिकती है। अगर प्रशासन को सूचना मीडिया कर्मी देते हैं तो कहते हैं प्रशासन की हमारी तरफ से कार्रवाई की जाएगी, पर कार्रवाई कुछ नहीं कर पाते जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मनोज सूर्यवंशी जुड़े थे फरीदाबाद से। वही खबर संभल के गांव मऊ बूढ़ का है, जहां पीड़ित मजदूर की मां ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनका बेटा सिलाई की दुकान पर काम करता है और कल इरफान और उसके दो साथी दुकान पर कपड़े की सिलाई करवाने जब सिलाई के पैसे मांगे गए तो उसकी लाठी डंडों से पीट दी गई। और वही महिला ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मारपीट का ये मामला सामने आया है, जहां पे युवक की जमकर पिटाई करी गई है और युवक की मां ने बताया है कि उनका बेटा सिलाई की दुकान पर काम करता था और जब उसने सिलाई के पैसे मांगे तो उसे लाठी डंडों से जमकर पीट दिया गया, उसकी पिटाई कर दी गई। और इस खबर पर हमारे संवाददाता मुबारक अली जुड़ चुके हैं संभल से। मुबारक, क्या मामला है? और जो सिलाई के पैसे न देने पर जो उसकी जमकर मारपीट की गई, और दलित दलित परिवार है, दलित था उसकी, और जो महिला है वो भी विधवा है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और उसमें अभी तक कोई एनसीआर जज ने की गई है, पुलिस कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है उसमें, और पुलिस उस पर परिवार का दबाव बना रही है जी। मुबारक है, जिस तरह हम तस्वीरों में देख सकते हैं इस युवक की उम्र ज्यादा नहीं लग रही है, कितने साल का है ये युवक? उम्र 13 साल का बताया जा रहा है। वो जो युवक थे, जो तीन थे, वो तीनों में वो किसी की 18 साल की उम्र थी, किसी की 20 साल की उम्र थी, किसी की 22 साल की है। उसमें पुलिस जो है खाना पूर्ति में लगी पड़ी है और ये पुलिस जो हल्के पे है और उसका और रात भी उस पर दबाव बनाया गया परिवार का बोले फैसले के लिए और जाति समझौते का प्रयोग भी किया गया जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मुबारक अली जुड़े थे संभल से। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने वाली महिला को पैर में गोली मार दी गई है। दरअसल बाइक सवार 3 बदमाश महिला को गोली मारते हुए घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां डॉक्टरों ने महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। पूरे मामले को
पूरे मामले पर ये बात सामने आई है कि बाईपास पर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता रीता यादव अपने ड्राइवर के साथ सुल्तानपुर से वापस अपने घर लौट रही थी, जहां बाइक सवार तीन बदमाशों ने इसकी गाड़ी रोक ली। साथ ही रीता ने विरोध किया तो बदमाशों ने इसके पैर में गोली मार दी। वह पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कब का मामला है? हाँ भाई, डेढ़ घंटा पहले का। क्या नाम है आपका? रीता यादव, सुनावा लालूपुर। कहाँ जा रहे थे आप? सुल्तानपुर से लौटे थे, वो पोस्टर बैनर बनवाने गए थे कांग्रेस पार्टी के, बहुत भीड़ थी, थोड़ा देर हो गए। कितने लोग थे? हम थे, हमारे ड्राइवर थे। किस गाड़ी से आप? बोलेरो। ओवरटेक करके? अच्छा, वो मारने वाले कितने लोग? तीन लोग थे, गाड़ी ओवरटेक कर लिए, उसके बाद इनको ड्राइवर साहब को वो चाबी छीन लिए और उनके कान में पिस्तौल सटाए थे, और मैंने जब मना किया मैंने एक झापड़ मारा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।